नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो पूरे देश में आस्था और उमंग के साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। शिव मंदिरों को आकर्षक बनाया गया। सुबह से भक्तों की लंबी लाइन लग गई थी। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में आज ही शाही स्नान भी होना था। अब सुबह 3 बजे से भक्तों के स्नान का क्रम भी जारी था। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में विशेष अभिषेक किया गया। इसी तरह वाराणसी, गोरखपुर, सोमनाथ समेत देश के प्रमुख शहरों से आस्था की समृद्ध तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि कोरोना काल में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वे शारीरिक दूरी और मास्क लगाने में नियम का पालन करें। कोरोना के कारण ही महाराष्ट्र स्थित दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए आज बंद हैं। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं, हर हर महादेव। दोस्तों, इसी के बीच ओडिशा में गंजाम का एक कलाकार ने महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की छोटी मूर्तियां बनाई। उनका कहना है, मैंने भगवान शिव की दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति बनाने की कोशिश की है। मैंने इन्हें लकड़ी और पत्थर का उपयोग करके बनाया है। इन मूर्तियों की लंबाई लगभग 5 मिलीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर तक ही है। वे बताते हैं कि उन्होंने पत्थर की 7 मिलीमीटर की मूर्ति बनाई है, जबकि 3 मिलीमीटर की लकड़ी का शिवलिंग भी बनाया है। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये काफ़ी छोटी मूर्तियां हैं। अपनी श्रद्धा को यूं आगे रखकर और उस पे अपनी कला का जादू चलाकर इस कलाकार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर बनाई गई ये खूबसूरत मूर्तियां पूरे देश में पसंद की जा रही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी स्टोरी को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।